हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हट में। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को और लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूले। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में, जो कि उड़ीसा से एक पब्लिक सर्विस कमीशन में यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात करूँगा। यहाँ पर जो लेटेस्ट रिक्रूटमेंट निकला हुआ है उसके बारे में जो डिटेल्स है आपके साथ शेयर करूँगा। आप लोग किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, इसका ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड है, इसका मैं सब कुछ आपके साथ अभी शेयर करूँगा। तो दोस्तों, अगर ये चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए फॉर द लेटेस्ट वीडियो ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर जॉब रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैं उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन के जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं उसका ओपन कर चुका हूँ। उसके बाद मैं इस पेज में आया था। तो दोस्तों, इसका जो लिंक है मैं नीचे दे दूँगा, आप लोग डायरेक्टली क्लिक करके यहाँ पे आ सकते हैं। तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, आप लोगों को देख सकते हैं फर्स्ट जो जॉब टाइटल में लिखा हुआ है, रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए यहाँ पे एक एडवर्टाइजमेंट जो निकला हुआ है। तो इसके बारे में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, इसका जो लेटेस्ट जॉब निकला हुआ है इसके बारे में। तो दोस्तों, इसका जो PDF फाइल है मैं पहले इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों के जो कि इसका डिटेल्स है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि खुल गया है इसका जो डिटेल्स है उड़ीसा फाइबर पब्लिक सर्विस कमीशन के। तो इसका जो पोस्ट रहेगा आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन ग्रुप बी ऑफ उड़ीसा सेक्रेटेरिएट सर्विस अंडर होम डिपार्टमेंट। तो दोस्तों, इसके लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना होगा। अगर आप चाहते हैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते, तो इसका जो सैलरी रहेगा आपका 9000 से शुरू होगा, 34000 तक आपका जो सैलरी रहेगा। इसके साथ साथ इसका जो वैकेंसी है 500 नंबर ऑफ वैकेंसी है 500। तो यहाँ पे अनरिजर्व जो है 260 फॉर देम एंड SEBC के लिए 87, शेड्यूल कास्ट के लिए 75 और शेड्यूल ट्राइब के लिए 72। तो दोस्तों, यहाँ पे जो कि सब कैटेगरी जो यहाँ पे है, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 3, एक सर्विस मैन के लिए 15, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 20 और ब्लाइंडनेस और लो विजन के लिए 5। तो इस तरह से कुछ यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। इसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि इसका और क्या क्राइटेरिया है अगर आप फिलअप करते इस जॉब को, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा। तो दोस्तों, इसके लिए आपको जो एज चाहिए 21 से शुरू होता है, अगर 21 से 32 तब आपका जो एज है आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर जो लोग हैं आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। तो दोस्तों, ये था एज लिमिट के बाद। इसके बाद बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए। तो दोस्तों, जो लोग बैचलर डिग्री आपके कंप्लीट किए कर चुके हो, अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं आर्ट्स कॉमर्स और साइंस में, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। इसके बाद मैं बात करूँगा एग्जामिनेशन जो फीस होता है उसके बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली अ कैंडिडेट इज़ रिक्वायर्ड टू पे नॉन रिफंडेबल एंड नॉन एडजस्टेबल फीस ऑफ 300 रुपीज़ फॉर ओनली ये जो फीस है ये फॉर द OBC एंड जनरल कैंडिडेट के लिए, कैंडिडेट बिलोंग द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल टाइप ऑफ उड़ीसा एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी। जो लोग होता है तो जो लोग डिसेबिलिटी है, हैंडीकैप है एंड उसके साथ साथ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल टाइप जो लोग है उसके लिए 40% जो कि यहाँ पे आपको छाड़ मिलेगा। तो दोस्तों, आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे SBI के जाके SBI बैंक से एक ड्राफ्ट करना होगा इस जो कि इस फीस के। उसके बाद आपको जो सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन मेथड ऑफ सिलेक्शन जो इस जॉब के लिए रिटर्न एग्जाम देना होगा। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा कंप्यूटर में, तो आपको फर्स्ट रिटर्न एग्जाम में पास होना पड़ेगा, उसके बाद आपको एक कंप्यूटर टेस्ट भी देना पड़ेगा। तो दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे जो प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन जो रहेगा, तो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे इसके बाद जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन, तो इसके साथ साथ अगर बैचलर डिग्री है उसके साथ साथ और भी कुछ क्राइटेरिया है आपको जो फॉलो करना होगा।
तो नंबर वन जो कि है ना कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, तो सिटीजन होना चाहिए इंडिया के लिए, इंडिया में। उसके बाद आपको जो है द कैंडिडेट शैल बी स्पीक रीड एंड राइट उड़िया फ्लुएंटली एंड मस्ट हैव पास्ट मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन ऑफ उड़िया एज लैंग्वेज सब्जेक्ट। तो बेसिकली दोस्तों जो लोग उड़िया बोल सकते फ्लुएंटली उन लोगों के लिए ये जॉब है। तो अगर आप उड़िया नहीं बोल सकते तो आप अप्लाई नहीं कर सकते इस जॉब के लिए, तो आपके लिए ये नहीं एप्लीकेबल होगा। उसके बाद यहाँ पे और भी कुछ लिखा हुआ है कि जो कि द कैंडिडेट मस्ट बी गुड मेंटल कंडीशन बॉडीली हेल्थ एंड फ्री फ्रॉम द फिजिकल, तो इसका मतलब जो कि है फिजिकली जो फिट है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ यहाँ पे और भी क्राइटेरिया है, तो आप लोग एक बार क्लियरली पढ़ लेना। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगा इसका जो डेट है एप्लीकेशन के, जो कि ठीक नीचे लिखा हुआ है इसका। तो दोस्तों इसके लिए आपको एप्लीकेशन के जो डेट है यहाँ पे डेट इसका जो स्टार्ट होगा 10 अक्टूबर 2018, और इसका जो लास्ट डेट रहेगा 10 सितंबर 2018, एंड जो लास्ट डेट है 9 अक्टूबर 2018। तो दोस्तों इस ये था जो कि उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन के तरफ से रिसेंटली एक जॉब निकला है इसके बारे में। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को, और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो लाइक कमेंट करके आप मेरे को बोल सकते, मैं उसका रिप्लाई दे दूँगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स।